भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत शिक्षा मंत्रालय की प्रमुख पहल युवा संगम के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया गया। यह राष्ट्रव्यापी पहल भारत के युवाओं में अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान, नेतृत्व और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। युवा संगम 5 में झारखंड के 45 छात्र प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर IIT रुड़की के उपनिदेशक प्रोफेसर UP सिंह ने इस तरह की पहल की अगुवाई करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की सराहना की। उन्होंने कहा कि युवा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत के सच्चे सार को दर्शाता है। ये युवा संगम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये युवा संगम को किया। और इसका मेन पर्पज़ यह है कि डिफरेंट स्टेट के जो बच्चे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा कर के वहाँ के कल्चर को, वहाँ के डिफरेंट चीज़ों को, 5 पॉइंट हमारा है उसमें जा कर के वहाँ की चीज़ों को समझें और वहाँ के लोगों से कनेक्ट करें एक दूसरे को। तो एक स्टेट की परंपरा को, कल्चर को समझना, वहाँ की उस चीज़ों को समझना जो है इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। जी, युवा संगम एक प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है। बेसिकली इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इसको विद द एक भारत श्रेष्ठ भारत विच अलाइन विद द नेशनल पॉलिसी इन द ईयर 2020, ये उससे अलाइन होके उन्होंने ये प्रोग्राम का अनाउंसमेंट किया था इन द ईयर 2015 अक्टूबर 31। जी हाँ, बेसिकली ये प्रोग्राम है टू स्ट्रेंथन द फैब्रिक ऑफ ट्रेडिशनली एग्जिस्टिंग द बाउंड बिटवीन द पीपल, एंड आई ऑल्सो थिंक दैट इट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट पीपल एंड टू लर्न देयर कल्चर एंड ऑल्सो टू ग्रो टुगेदर। आपको बता दें कि युवा संगम एक अनूठा कार्यक्रम है जो भारत के विभिन्न राज्यों के छात्रों के बीच अंतर सांस्कृतिक बातचीत की सुविधा प्रदान करता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में एकता, सांस्कृतिक गौरव और नेतृत्व को बढ़ावा देना है, साथ ही उन्हें भारतीय परंपराओं की विविधता और जीवंतता का पता लगाने में सक्षम बनाना है।